नमस्कार, खबर 5 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे, गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लोनी में बड़ा हादसा हुआ, निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिर गया, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। 4 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया है, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है, पुलिस वहां पहुंच चुकी है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं, लोगों की भीड़ ज्यादा न जुटे इस वजह से पुलिस वहां से लोगों को हटा भी रही है। गाजियाबाद के लोनी में ये बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, बुलडोजर की मदद से ये जो दीवार गिरने वाली थी उसे भी यहाँ रोका गया है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। देखिए आप किस तरह से जो पूरा लेंटर था वो ढह गया था और शटरिंग का जो पूरा हिस्सा है वो गिर चुका है। प्लाई, बांस, बल्ली सब मजदूरों पर गिरे थे। 4 मजदूरों को निकाला गया है, कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। गाजियाबाद के लोनी में ये बड़ा हादसा हुआ, चारों घायल मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है, मलबा जल्द से जल्द हटाकर सभी मजदूरों को रेस्क्यू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद के लोनी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा जो लेंटर वाला हिस्सा है, सरिया, शटरिंग, वो सब जमींदोज हो चुका है और इसी के नीचे कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। देखिए बारी बारी से ऐसे 4 मजदूरों को यहाँ से निकाल कर अस्पताल ले जाया गया है। निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, गाजियाबाद के लोनी में बड़ा हादसा। संवाददाता यशपाल कंसाना हमारे साथ कनेक्ट है। यशपाल, क्या जानकारी, घायल मजदूरों की हालत कैसी है और कितने मजदूर वहां दबे हो सकते हैं? गाजियाबाद के लोनी इलाके का पूरा मामला है, जहां रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री की इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर निर्माण कार्य के दौरान वहां पर मजदूर काम कर रहे थे और जो ऊपर लेंटर पड़ना तो शुरू हुआ वहां पर, तो जो नीचे वहां पर जो लकड़ी की जो बल्लियां लगी होती है, बांस लगा होता है, वो टूट गया, जिसके कारण सभी सारा जो लेंटर का सामान था वो नीचे आ गया, जिसके नीचे करीब 4 से 5 मजदूर दबे होने की आशंका थी, जिसको पुलिस ने वहां पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से 3 से 4 मजदूरों को निकाला। हालांकि अभी कुछ लोगों का कहना है कि कुछ मजदूर अभी वहां पर वो दबे हुए हैं, जिनके लिए पुलिस ने वहां पर अभी भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, उनको निकालने की तैयारी जुटी हुई है। दरअसल जो अंदर का मेन गेट का रास्ता था वहां पर बल्लियां लगी थी, जिसके कारण पुलिस को अंदर जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब उस बाहरी हिस्से को, लेंटर को जो मशीन से तोड़ा गया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जी, सबसे अहम बात, जो घायल मजदूर है उनकी हालत कैसी है फिलहाल? उनको अस्पताल में भर्ती कराया है, कुछ गंभीर चोटे हैं, जो फिलहाल पुलिस द्वारा बताया गया है कि स्थिति सामान्य है कुछ लोगों की, और अभी आगे की जो मजदूरों के दबे होने की जो आशंका है उसके बारे में जो पुलिस लगी हुई है, जब तक अंदर पूरी तलाशी नहीं ली जाएगी उसके बाद कुछ कहना इसमें जायज होगा। जी, क्या लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था और ऐसे में जो ये निर्माण कार्य है, जो फैक्ट्री संचालक है, अभी सभी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं है, सभी फरार हैं, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ है और कुछ मजदूरों को वहां पर चोटें आई हैं, दबे हैं, तो ये तो आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए यशपाल आपका बहुत शुक्रिया। तो कई मजदूर अभी यहाँ दबे हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ राहत बचाव का काम जारी है। 4 मजदूर घायल हुए थे, इलाज चल रहा है उनका, हालत कुछ की नाजुक भी बनी हुई है। गाजियाबाद के लोनी में यह बड़ा हादसा हुआ।